हाय, सत श्री अकाल जी। की हाल ने? ठीक ठाक हो? तंदुरुस्त हो? सेहतमंद हो? वेल, इदां ही तुसी हमेशा फिट एंड फाइन रहो, यही दुआ करदे हां। अच्छा जी, तां अज मैं लाइव क्यों हुई हां, इहदे पिछे एक कारण है, बड़ा जबरदस्त कारण है। कुछ पढ़दी सी, मैनूं इन्ना सोहना लग्गिया, इन्ना वधिया लग्गिया, सोचा कि तुहाडे नाल शेयर करना बनदा है, जरूरी है। सो इस करके असीं हाजिर हां। ते अज एक स्टोरी है दरअसल थोड़े नाल शेयर करन दे लई। उस स्टोरी किन्ना दी लिखी है, कौन ने और राइटर, ये सब कुछ थोड़े नाल शेयर करांगी, पर स्टोरी दे एंड च। तो फिर चलिए स्टोरी दे वक्त बिना देरी कीते। स्टोरी कुछ इदा है कि 30 साल पुरानी है गल है। मैं लैक्चरर भावे अंग्रेजी दी सां, पर लिखण दा शौक मैनू मुढ तों ही पंजाबी विच सी। एक मिनी कहानी संग्रह शुरू कीता, नाम रख्या सच दी तलाश। बड़ी कोशिश की पर समझ ना पवे कि हुण इसका अंत किदां करा। मां नाल गल करदी तां अगों आखदी कि हुण रसोई वल ध्यान दे, अजकल पढ़ाई लिखाई तो इलावा होर भी बड़ा कुछ वेखदे ने अगले। मैं हर वार अगों सिर जिहा मार गल आई गई कर दिया करती। फिर एक दिन रिश्ते दी दस पई, परिवार थोड़ा बहुत वाकिफ सी, ते मुंडा सेहत विभाग विच SDO सी। विचोले दी बुरी तरह दे नाल ड्राई होई मेरी मां, किन्नियां सारियां पक्कियां कीतियां, आ पुछण ते आखणा, आ पुछण ते हस के विखा देना, फिर किन्ना कुछ सिखाउण दी कोशिश भी शुरू कर दित्ते, चा चटनी फुलके सब्जी ते होर किन्ना कुछ। जिस दिन परौणे ने आउणा सी उस दिन उस सवेर तो ही शुरू हो गए। आखी कि रसोई बारे इहो जिहे सवाल ना अक्सर ससा पुछदियां हुंदियां ने। जे पुछण तां आखी कि सारा कुछ ही आउंदा है मैनूं, व्याह तक तैनूं मैं सब कुछ सिखा देणा। मैं अग्गों हां हां करी गई, पर ऐन मौके ते हालात कुछ होर ही हो गए। बाकी सारे ते पढ़ाई लिखाई बारे पुछी गए, पर चुल्हे चौंके रसोई कढ़ाई बारे सब तो पहला सवाल किया SDO साहब दे दादा जी ने। मेरी वड्डी कमजोरी सी कि नाजुक मौकियां ते मैनूं गल बनाउणी बड़ी औखी लगदी सी, ते उस वेले भी छेती दे नाल सच बोल खेड़ा छुडाउण दी कोशिश कीती। आख्या मैनूं तां ना सवाए चटनी कुटण ते आंडे उबालण तों इलावा होर कुछ नहीं आंदा। चारे पासे हासा पै गया ते मां मेरी अपना सिर फड़ के बैठ गई, पर चमत्कार हो गया, गल पक्की हो गई। मां ने सुख दा साह लिया, फिर मंगनी दी रसम मौके SDO साहब दे दादा जी होरां ने बड़ा लम्मा चौड़ा भाषण भी दिता। आखण लगे जिंदगी विच चुल्हा चौंका ते फिर मगरों भी सिख्या जा सकदा है, पर जिस सच दी तलाश तूं असी पाल रहे सी, सानू पिछले किन्ने दिनां तों उड़ीक सीगी, ते ओह अज तुहाडे घर आके मुक्की है। मैं मां वाल वेखी जावां ते इशारे दे नाल आखी जावां वेख्या, एवें ही डरी जांदी सी। फिर मैनूं आखण लगे हुण तू वी कुछ बोल, मैनूं होर ते कोई गल सुझी ना। बस इन्नी कु गल आके छेती दे नाल हेठां बैठ गई कि मेरी सच दी तलाश भी अज इत्थे ही मुक गई है। सारे इसो चुप जे कर गए कि पता नहीं इसनूं किहड़े सच दी तलाश सी। फिर मां ने मौका संभालिया, आखण लगी अपनी कहानी संग्रह दी आखरी कहानी दी गल करदी पई है कमली। फिर मेरी खुद दी मंगनी दी रोचक जी ये कहानी, मेरी कहानी संग्रह सच दी तलाश दा आखरी डब्बा बन हमेशा दे लई अमर हो गई। कहानी इत्थे खत्म हुंदी है। ये कहानी लिखी हुई है हरप्रीत सिंह जवंदा जी दी, और किन्नी प्यारी कहानी है ना। मेरे ख्याल नाल बहुत सारियां कुड़ियां दे नाल रिलेट करदी है। खैर, तुहानू ये कहानी किदां दी लगी जरूर दस्यो। और एक होर रिक्वेस्ट, अगर तुहानू कहानियां सारियां गल्लां इनफोटेनमेंट चंगा लग रहा है, तो फिर साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो, ते लाइक और शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच जी, सत श्री अकाल।